गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रहा है सभी को? आवाज आ रहा है सभी को? यस, वॉइस इज क्लियर? ओके, नाउ सी ऑल क्लियर। ओके, अब देखिए आगे का। कल हमारा वायरसेस चालू था पर 2 मिनट रिमेनिंग है, स्टूडेंट आए नहीं अभी, इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि टाइम रिमेनिंग है, इसलिए तब तक बोर्ड ये ओपन कर लेता हूं। कैमरा बंद किया मैंने सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे सके, इसलिए कल हमारा वायरस तक हो चुका था, थोड़ा सा हम उसके आगे का लेंगे और आज खत्म हो जाएगा टॉपिक। वायरस और लाइकेन दो चीजें रिमेनिंग थी, वायरस का हाफ पार्ट हमारा हो चुका था। पहले फंगा लाइकेन दिया, इधर लाइकेन बहुत ज्यादा डिटेल में दे दिया, इतना नहीं था, पर यहां से पढ़ोगे तो ऐसा डिटेल में रहेगा, नोट्स डिटेल्स में थोड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब आगे का पार्ट देखने का हमको, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस, वायरस का स्ट्रक्चर किससे बने वाला था। तो मेनली हमने इसके अंदर टू थिंग्स देख चुके हैं पहले, दिख रहा है या लैग हो रहा है? दिखाई दे रहा है ना क्लियर? अब आगे का पार्ट देखने का आपको, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस, वायरस का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है। देखिए द एनवलप, एनवलप मीन्स उसका जो आउटर कवरिंग रहेगा। वायरस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि जो भी वायरस रहते हैं उनके अंदर मेनली टू स्ट्रक्चर रहता है, वायरस कंसिस्ट ऑफ मेनली टू थिंग्स। क्लियर है ना? नो लैग, थैंक यू फॉर रिप्लाई, क्योंकि आपका रिप्लाई से मुझे समझ में आता है कैसा क्या चल रहा है। वायरस में मेनली दो थिंग देखते हैं, एक तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा, जेनेटिक मटेरियल जो कि ईदर डीएनए और आरएनए रह सकता है। ये कल मैं बोला था आपको, डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, कोई भी एक ही जेनेटिक मटेरियल रहता है एक वायरस में, एक तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। और सेकंड थिंग क्या रहेगी इसके अंदर, प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट या कवरिंग बोलेंगे हम इसको, और इसी को कहा जाता है कैप्सिड, एनवेलप भी कहा जाएगा। ओके क्लियर है ना? ओके, देखो तो उसके बारे में बोला है
कि जो इनवेलप है उसको क्या कहा जाएगा, लूज आउटर कवरिंग कंपोज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वायरस, उसके अंदर लिक्विड भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा एंड हैज अ स्मॉलर सब यूनिट। इनके जो स्मॉलर सब यूनिट है उनको कहा जाएगा पेप्लोमर। एग्जाम्पल हर्पीज वायरस, HIV वायरस, डेक्निया वायरस एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज नेकेड। मतलब देखो जिस वायरस पर प्रोटीन की कवरिंग है, मतलब ये एनवेलप है, और जिस पर ऐसा कवरिंग नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेकेड वायरस। नेकेड मतलब क्या रहता है, ऐसा वायरस जिसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं है, मतलब वायरस माइनस प्रोटीन कोट, या जिसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं, इक्वल टू क्या आएगा, नेकेड वायरस। नेकेड मीन्स उगड़ा डोया दिसनारा, मतलब कवरिंग नहीं तो आपको डायरेक्ट दिखता है, इसको बोलते हैं नेकेड वायरस, विच कैन बी क्लियरली सीन बाय ओपन आइस। उसके बाद देखो कैप्सिड, कैप्सिड का मीनिंग बोला है मैंने आपको, वायरस विच हैव नो प्रोटीन कोट, बराबर है, ऐसा बोलते जाओ, हाँ पेप्लोमर भी याद रखे। उसके बाद देखिए कैप्सिड, आउटर प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ सब यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमर एंड देयर नंबर ऑफ वायरस, देयर नंबर इज वायरस स्पेसिफिक, मतलब वायरस टू वायरस कैप्सोमर का जो नंबर है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है, सभी वायरस में सेम कैप्सोमर नहीं रहेंगे। एंड दिस पजेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, विरुलेंट प्रॉपर्टी। कोई भी अगर वायरस है उस वायरस के अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमर डिफरेंट रहेंगे। कैप्सोमर क्या रहता है ये डायग्राम में और हमको आगे दिखेगा, मतलब जो प्रोटीन कोट है आउटर प्रोटीन कोट वायरस के ऊपर, जैसे आप बैठे हो सपोज आपने जैकेट पहना तो वो हो गया आपका आउटर कोट। कुछ जनों क्या करेंगे, बनियान पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, शर्ट के ऊपर कोट पहना तो उसको हो गया थ्री कोट, मतलब थ्री लेयर। तो वैसे वायरस टू वायरस जो प्रोटीन का कोट है वो एक तो मल्टी लेयर्ड हो सकता है, मेनी मल्टी लेयर्ड हो सकता है, डिफरेंट रह सकता है। हाईलाइट पॉइंट राइट करें क्या, हाँ नंबर ऑफ कैप्सोमर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है ये बोले वाला। और इनकी बेसिस पर क्या रहता है, इनके अंदर इस कैप्सोमर के बेसिस पर इनके अंदर आएगी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब विरुलेंट प्रॉपर्टी, विरुलेंट, विरुलेंट मतलब पॉइजनस, कितना पॉइजनस है वो, कितना टॉक्सिक है वो डिपेंड रहेगा इसके कैप्सोमर के ऊपर कितना पॉइजनस है। तो ये उसके प्रोटीन कोट पर से समझ में आएगा। पर कुछ वायरसेस ऐसे भी रहते हैं जिनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं है, ऑनली जेनेटिक मटेरियल, उनको वायरस बोलते हैं। और कुछ ऐसे वायरस रहते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता, ऑनली प्रोटीन कोट रहता है, उनको बोलते हैं प्रायंस। तो उसके बारे में आगे और बोलूंगा मैं, आज अपना टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद है न्यूक्लियोइड, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है DNA और RNA, बट नो वायरस हैज बोथ DNA और RNA, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड DNA कंटेनिंग वायरस को बोलते हैं डीऑक्सी वायरस, जो कि मे बी डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड रह सकता है। मतलब जेनेटिक मटेरियल अगर तुम देख रहे हैं कि कोई भी अगर वायरस है उसके अंदर अगर हम जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल, तो वो एक तो DNA होगा या तो RNA होगा, एक तो DNA रह सकता है या तो RNA रह सकता है। तो जिन वायरस में DNA उनको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोवायरस। और ये जो DNA, ये एक तो SS DNA हो सकता है या DS DNA हो सकता है। SS मतलब सिंगल स्टैंडर्ड और DS मतलब डबल स्टैंडर्ड, हाँ। और जिसके अंदर RNA ऐसे जेनेटिक मटेरियल है, अब देखो यहां पर क्या था, यहां पर DNA ऐसे जेनेटिक मटेरियल था, अब दूसरे जिसमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल रहेगा, RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो ये भी वायरस दो टाइप करेंगे और इनको बोला जाएगा राइबो वायरस।
राइबो वायरस, यहाँ पर ये दोनों नाम याद रखें, एक तो डीएनए वायरस या तो आरएनए वायरस, जिसमें आरएनए इसको क्या बोलेंगे राइबो वायरस, और ये भी हो सकता है एसएसआरएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी रह सकता है कुछ वायरसेस। तो ये पता होना चाहिए डीएसआरएनए किसको बोलेंगे और एसएसआरएनए किसको बोलेंगे, डीएनए और आरएनए के बेसिस पर क्लासिफाई किया हमको। हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। आगे का देखो, उसके बाद आरएनए में भी ये सेम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ये मैंने ये कल थोड़ा बोल चुका था मैं आपको, ये देखो फाइटोफाजिनी, फाइटो मतलब प्लांट, फाज का मतलब होता है टू ईट, मतलब प्लांट के ऊपर जो वायरस इन्फेक्शन करेंगे उनको बोलेंगे फाइटोफाज, जो एनिमल पर इन्फेक्शन करेंगे उनको बोलेंगे जूफाजिनी, और फाजिनी मीन्स अटैक लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियोफाज, कुलीफाज, साइनोफाज, फाइको, माइको, जाइमो, ये सब नेम याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोले वाला है, इतना हो गया। एक रहेगा फाइटो फाजिनी, उसके बाद रहेगा जूफाजिनी, उसके बाद क्या बोले हम ऑनली फाजिनी, मतलब माइक्रो ऐसे वायरस जो लोअर ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं। तो इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप बोले, कौन कौन से टाइप यहां पर याद रखो, फाइकोफाज, माइकोफाज, उसके बाद साइनोफाज, बैक्टीरियोफाज। वर्ड से सभी याद हो जाता, देखिए ठीक है। मीनिंग बोला था मैंने आपको, फाइटो का मीनिंग क्या होता है प्लांट, और फाज का मीनिंग होता है टू ईट, जहां पर भी ये वर्ड दिखेगा PHAGE, इसका मीनिंग होता है टू ईट, खाना, टू ईट, एंगल कर लेना, ठीक है, इसका मीनिंग बोला मैंने आपको। तो फाइटोफाज मतलब क्या, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्शन करेंगे, मतलब प्लांट वायरस। जूफाज, जू वर्ड है जहां जहां, एनिमल है वहां वहां, तो याद रखना कैसे। हाँ, और एक बोला है गायत्री ने, अच्छा सिद्धेश ने याद दिला कि ये भी एक है, जाइमोफाज, ठीक है, ये नाम याद रखने के। अब जू का मीनिंग क्या होता है, एनिमल, तो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बोलते हैं जूफाजिनी। फिर पाइको, फाइको का मीनिंग हमको पता है क्या होता है, अल्गी, तो अल्गी के ऊपर जो वायरस अटैक करेंगे वो रहेंगे फाइकोफाज। माइको का मीनिंग क्या होता है, फंगस, माइको मीन्स फंगस, ये बोल चुका हूं, माइको मीन्स फंगस, तो ऐसे वायरस जो फंगस को इन्फेक्शन करेंगे। कैप्सिड का नंबर फिक्स होता है क्या, नहीं नहीं प्रणव, वेरिएबल होता है, कैप्सिड के अंदर जो कैप्सोमर यूनिट है वो वेरिएबल है। उसके बाद देखो साइनोफाज, साइनो का मीनिंग मैंने कल बोला था, साइनो मतलब ही साइनो बैक्टीरिया, मतलब ही ब्लू ग्रीन अल्गी, इनको जो इन्फेक्शन करता है वो रहता है साइनोफाज। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला वायरस, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। उसके बाद जाइमोफाज, जाइमो का मीनिंग होता है ईस्ट, ईस्ट के ऊपर जो वायरस इन्फेक्ट करता है वो, तो ये सब याद रखने का है। सभी के नाम याद रखने का है। ब्लू ग्रीन अल्गी, हाँ बीजी है, करेक्ट गायत्री, जो प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करता है उसके अंदर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है, और एनिमल पर जो इन्फेक्शन करता है जनरली वो वायरस डीएनए रहता है उनके अंदर,
पर कुछ इसके अंदर आरएनए भी रहता है, एक्सेप्शन रहता है। हाँ तो ये सब याद हो गया होगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, तो ये सब। और आगे एग्जांपल दिए वाले से है ना, तो ये याद रखने का यहाँ पर। कुली पाच मतलब ई कोलाई के ऊपर, तो इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एग्जांपल टोबैको मोजाइक वायरस, पोटैटो वायरस, येलो वेन मोजाइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, एनिमल वायरसेस पता है। इनके अंदर कॉमनली क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए हो सकता है। एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में, अरे ये टॉपिक सेकंड टॉपिक में अवधूत, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में बोलता हूँ, सो दैट आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको ईजी जाएगा। इसलिए जो पहले क्लास से अभी तक है उसको सब समझ में आता होगा, जो एकदम बीच में आ गए उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, और वो मेरे पहले के लेक्चर देखे तब पूरा समझ में आएगा। हाँ तो ये नाम याद रखिए, बैक्टीरियोफेज, इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। टी टू टी फोर मतलब देखो इवन नंबर ऐसा रहता है। हाँ करण ने बोला, देखो साइनोफेज ब्लू ग्रीन अलगी, ये वायरस के नाम दिए वाले। फाइको मतलब अलगी, माइको मिस फंगस, जायमो मतलब ईस्ट, तो ये सब बोला था मैंने आपको। उसके बाद अगर वायरस में रिप्रोडक्शन देखे तो एक तो फाजिक रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों रहेंगे। लाइटिक साइकिल कैसी है, वायरुलेंट फाज में, वायरुलेंट मतलब जो ज्यादा हार्मफुल इन्फेक्शन करता है वो रहता है। एग्जांपल टीवी फोर बैक्टीरियोफेज, और लाइसोजेनिक ऑकर इन द टेम्परेट वायरसेस, टेम्परेट वायरस मतलब लैमड़ा फाज वायरस। और दूसरा होता है पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। जनरली देखो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बोलता हूँ, ये इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो लिखा वो सब समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखो, और एक बार भेजता हूँ पीडीएफ। ओके ओके, अरे बाबर सर का कांटेक्ट नंबर होगा आपको, उनके उनको मांगे, क्योंकि उनको लेक्चर का लिस्ट, नोट्स, पीपीटी सब कुछ दिए वाला है, या तो और भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, दे दूंगा। क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये दो प्रोसेस आपको पता है, फैगोसाइटोसिस किसको बोलता है, और एक होता है पिनोसाइटोसिस। अभी फैगो का मीनिंग तो बोला मैंने आपको, PHAGO फाज मीन्स टू ईट, और साइटो मतलब सेल, और सिस का मीनिंग होता है प्रोसेस। तो क्या बोलता है कि सेल ईटिंग, सेल अगर ईट कर रही है कुछ खा रही है तब उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब कोई सेल वाटर ले रही है, लिक्विड ले रही है, मतलब सेल ड्रिंकिंग जो होता है, ड्रिंकिंग मीन्स टेकिंग लिक्विड वाटर इनसाइड, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये दोनों नाम याद रखिए। तो अभी देखो यहाँ पर वर्ड कौन सा है, पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन, मतलब जहां पर लिक्विड है। तो मतलब वर्ड से याद रखने का, तो इट इज फाउंड इन सम वायरसेस लाइक टीएमवी, टीएमवी बोला मैंने आपको, टोबैको मोजाइक, एचआईवी, हेपेटाइटिस, सो ऑन, इन विच होल ऑफ वायरस पार्टिकल एंटर इनटू द होस्ट एक्सेप्ट इनवलप, इनवलप बाहर ही रह जाता है। इसके बाद बोला मैंने थर्ड टॉपिक लेंगे, किंगडम प्लांट इसके बाद का टॉपिक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ डिटेल स्ट्रक्चर दिए वाला है, तो स्ट्रक्चर उतना नेसेसरी नहीं है, मतलब सिर्फ आपको रिवाइज करना है। जैसे टीएमवी वायरस के बारे में बताए, तो ये मैं थोड़ा फास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो काम का उसको थोड़ा स्लो लेता हूँ। टीएमवी वायरस प्लांट वायरस है, शेप देखे तो रॉड शेप रहता है, और 3000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है। एंगस्ट्रॉम मतलब एंगस्ट्रॉम में उसकी लेंथ देखते हैं, या 180 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये लॉन्ग फॉर्म है इसका, ए का,
इन डायमीटर विद द मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन दिस मच डाल्टन एंड 2130 कैप्सोमर अरेंज्ड हेलिकली टू फॉर्म अ कैप्सिड। मतलब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कैप्सोमर दिखते हैं, ये दिख रहा है देखो स्ट्रक्चर आपको आगे, यहाँ पर स्पायरल आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन सब यूनिट मतलब ही कैप्सोमर। उसके बाद दूसरा वायरस दिखा है पॉक्स वायरस, दिस कॉज दीज आर द कॉजल एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स पता नहीं इससे फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है, और इससे जो फेस खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया, वो लाइफ में कभी भी रिपेयर नहीं होता, तो वो वायरस है पॉक्स वायरस, या इसको वैरियोला वायरस बोलते हैं, नाम याद रखें पॉक्स वायरस या वैरियोला वायरस, जिसके वजह से होगा स्मॉल पॉक्स। दीज आर अमंग द लार्जेस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस, शेप देखे तो रेक्टेंगुलर रहेगा, साइज बोले वाली उसकी 300 to 230 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10^-9, ये बोला था मैंने आपको, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता देखो, ये पहले मैं बोल चुका हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये जो 1 मीटर है इसके इतने टुकड़े करो, कितने टुकड़े, एक के ऊपर 9 जीरो लगा इतने, 1 ये 1 आया इसके ऊपर 9 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने टुकड़े करने के बाद एक जो टुकड़ा मिलेगा वो रहता है 1 नैनोमीटर, 1 मीटर के एक के ऊपर 9 जीरो लगा इतने टुकड़े के, तो एक टुकड़ा मतलब 1 नैनोमीटर, तो टीएमवी की साइज है लगभग 300 नैनोमीटर, तो मतलब देखिए कितना छोटा होगा ये वायरस, इतने छोटे रहता है कि अपना जो वैक्स है कैंडल का उसमें से भी फिल्टर होकर नीचे जाते, एकदम छोटा रहता। चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स इज डिफरेंट, हाँ डिफरेंट है, देखो चिकन पॉक्स में क्या होता है चेहरे के ये पूरे बॉडी के ऊपर फोड़े आते हैं, बॉइल बोलते हैं उसको, बॉइल थोड़ा सा गर्म पानी दिखता है उन फोड़ों में, और स्मॉल पॉक्स थोड़ा सा लैग हो रहा है क्या, अभी देखो क्लियर आ रहा है, हाँ क्लियर आता है, और कभी कभी मैं थोड़ा पढ़ाने के बाद थोड़ा सा साइलेंट रह जाता हूँ 1-2 मिनट या हार्डली 10-20 सेकंड, तो उसका मीनिंग लैग नहीं होगा क्योंकि मैंने कैमरा चालू नहीं रखा इसलिए। नाउ इट्स क्लियर, है ना, उसके बाद इसमें डीएसडीएनए रहेगा, दो एंजाइम रहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंड एटीपी फॉस्फो हाइड्रेस हाइड्रोलेस। एड्स वायरस इसके अंदर देखो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बोला पर दो सिंगल स्टैंड रहता है, दो कॉपी रहते हैं इसके, और बाहर 5 लेयर रहता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोप्रोटीन रहता है और लिक्विड की डबल लेयर रहती है। एड्स का वायरस, यहाँ पर वायरस दिखाया नहीं, वो हाउ टू किल कोरोना वायरस, इसको बाहर मारा जाता है पर बॉडी के अंदर मारना बोले थोड़ा मुश्किल जाता है, इसको सैनिटाइजर लगाए तो वायरस खत्म हो जाता है हाथ के ऊपर, तो मतलब अल्कोहल से हीट से वायरस खत्म हो जाता है, पर इसका मीनिंग ये नहीं। अरे अभी अपना बायो चल रहा है उसके अंदर केमिस्ट्री के नोट्स कहां से याद आ गए आपको। उसके बाद देखो ये दिख रहा है आपको टीएमवी वायरस, इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, हेड रहता है इसको जिसके अंदर डीएनए कोट रहेगा, ये देखिए ये हेड है 650 एंगस्ट्रॉम, फिर ये आगे की साइज, उसके बाद यहाँ पर रहेगा कॉलर, कॉलर के नीचे का ये पार्ट है नेक, देन टेल, टेल फाइबर, प्रॉन्क्स भी बोलते हैं इसको, तो ये है बैक्टीरियोफाज, ये स्ट्रक्चर याद रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए इसका, ये दिखता कैसे है, बिल्कुल अल्कोहल से वायरस को बाहर डिस्ट्रॉय किया जाता है, अल्कोहल से वायरस डिस्ट्रॉय होता है, पर इसका मीनिंग ये नहीं कि अल्कोहल अंदर लिया जाए और अंदर जो वायरस है वो अल्कोहल पीने से खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखो। हाँ
नहीं तो उल्टा मतलब लोगे उसका। उसके बाद ये वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेज बोले वाले दूसरे T4, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वायरस ये इंपॉर्टेंट है, सब वायरल एजेंट यहाँ से। लुक लाइक स्पाइडर, हाँ स्पाइडर के जैसा दिखता है वो, उससे कुछ एनिमेशन दिखाऊंगा कभी। अब उसके बाद नंबर, अब कुछ सब वायरल पार्टिकल है, दीज आर सब वायरल पार्टिकल। वायरस हमको समझ में आ गया, पर वायरस के जैसे और भी कुछ चीजें है। नेक कंटेन 144 क्या उसमें, हाँ इन बॉडी हाउ टू किल, बॉडी में किल करने के लिए हमको एंटीविनोम लेना पड़ता है। जैसे हमको स्नेक ने अगर बाइट किया, हमको नहीं किसी और को, तो स्नेक के पॉइसन के अंदर क्या है, वायरस ही तो है। तो वायरस किसी में आ गए तो उसको एंटीविनोम देता है, या कुछ केमिकल ऐसे जो वायरस को मार सकता है, उनकी एक्टिविटी स्लो करते हैं। जैसे कि इन ड्रग का नाम देखें, अभी बीच में जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा था, आपने इस ड्रग का नाम बहुत ज्यादा सुना है, रेमडेसिविर। इस ड्रग का नाम सुना है सभी ने, रेमडेसिविर ड्रग का नाम सुना है सबने। हाँ वो घूम रहा है दिख रहा है मुझे। अभी क्लियर है, देखिए हाँ सुना ना आपने, रेमडेसिविर। तो जो भी ड्रग के पीछे लास्ट कोड वर्ड VIR रहता है, वो सभी ड्रग किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये सभी यूज किए जाते हैं फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन, उसके लिए। तो मतलब ड्रग से हमको समझ में आना, कौन सी ड्रग किस काम को आ रही है, क्या कर रहे हैं, वो हमको समझ में आता है। उसके बाद देखो वायरस के बारे में पढ़ रहे थे, वायरस के बारे में, वायरस मतलब वायरस के जैसे जो पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं वायरस। वायरस लाइक पार्टिकल, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद का खुद रेप्लिकेशन करता है, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल विच वर डिस्कवर्ड बाय थियोनर डायनर, पूरा नाम इनका थियोनर डायनर। एंड वायरस आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विच आर डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट, मतलब इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, पहले हम वायरस के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, वायरस हमारा हो चुका है ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सब वायरल पार्टिकल, मतलब ऐसे कुछ पार्टिकल की जो वायरस से भी छोटे और इन्फेक्शन करता है। इसके अंदर मेनली दो चीजें पढ़ना हमको, एक वायरस और दूसरा एक है प्रायंस। अब क्या होता है यहां पर, ये वायरस में क्या रहता है, वायरस माइनस प्रोटीन कोट, इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता, तो इसको बोलते हैं वायरस। और यहां पर क्या, वायरस माइनस जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटीन कोट रहेगा, तो ये रहता प्रायंस। प्रायंस मतलब भी प्रोटीनासियस लेयर विच कैन कॉज इन्फेक्शन। समझ में आया यहां पर, क्योंकि देखो वायरस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट है, दोनों चीजें,
किसमें? वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड। और जो जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर है, किसके अंदर? वायरस के अंदर। इसके अंदर डीएनए या आरएनए रह सकता है, ये देखें हम डीएनए और आरएनए ये दोनों भी है वायरस के अंदर। वायरस इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड। पर अगर वायरस के जैसे कुछ पार्टिकल है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पर प्रोटीन कोट नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स। उनको बोलेंगे वायरॉइड्स। और जो प्रायंस है उसमें क्या रहेगा बोलो? तो समझ में आ गया यहां पर, है ना, कि वायरस में क्या रहेगा और इसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है। और प्रांस में क्या बोला मैंने आपको यहां पर, किधर गया मार्कर नहीं दिखा दे रहा मुझे, हाँ यहां पर एक मिनट, ये दिखता नहीं जल्दी जल्दी, छोटे जो डॉट्स होते हैं। ये प्रांस, प्रांस क्या रहता है मैंने बोला आपको, ठीक है। प्रांस में क्या रहेगा? ऑनली प्रोटीन कोड, बट देर इज नो जेनेटिक मटेरियल। दोनों का नाम याद रखिए और दोनों काम क्या करते हैं वो याद रखिए। 15 अगस्त 12 कॉलेज चालू होना रखा है का, शायद हो सकता है इसके लिए ये किए वाला है, मतलब कुछ गूगल फॉर्म भेजे वाला है वो बच्चों को। इसलिए यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, तो आगे का बोलता हूं। ये देखो वायरस मतलब स्मॉलेस्ट, ये सब बोले दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये भी इंफेक्शन करता है। इनका मॉलिकुलर वेट कम रहता है। और वायरस इसमें दो वर्ड दिखाई दे रहा है, वायरो, वायरो का मीनिंग होता है वायरस, और ओआईडी इस वर्ड का मीनिंग होता है लाइक, वायरस के जैसे पर पूरी तरह से वायरस नहीं। उनके अंदर आरएनए रहेगा टाइटली फोल्डेड टू फॉर्म अ सर्कुलर और लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब ये जो वायरस है ये एक तो लीनियर भी रह सकता है, लीनियर लंबे, या तो सर्कुलर गोल, ऐसा इनका स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद वायरस आर नोन टू कॉज डिसीज सम 20 इन प्लांट, मतलब देखो प्लांट के अंदर लगभग ये 20 टाइप के इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीएसटीवी, या उसको पीएसटीडी भी बोलते हैं, पीएसटीडी या पीएसटीवी बोलते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, ये दोनों नाम है इसके, दोनों भी नाम है। इसमें मजा आ रहा है वायरस में पढ़ने के लिए। उसके बाद आगे का है वायरसॉइड्स, वायरसॉइड्स यहाँ पर डिटेल में बोला है सब, इसलिए अपने को टाइम लग रहा है, नहीं तो ये टॉपिक वैसे 1 वीक में खत्म होता है। हम 1 मंथ लगा इसको, इस टॉपिक को, जिसको 1 वीक में खत्म होना चाहिए इसको 1 मंथ लगा के मैंने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि सभी चीजें समझ में आना इसके लिए। वायरसॉइड डिस्कवर्ड बाय रैंडल, और इनके अंदर ये आरएनए वायरस है, मतलब आरएनए रहेगा। इनसाइड द कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट ऑफ अदर लार्ज वायरस, मतलब लार्जर वायरस थे इसके अंदर, ये भी रेप्लिकेट होता है, बट डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन, मतलब ये हार्मफुल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इनसे, वायरसाइड से। नंबर थर्ड है प्रायम, ये थोड़े हार्मफुल है, डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट ईटल। ईटल का मीनिंग होता है कोवर्कर, अल्बर्ट साइंटिस्ट का नाम है, और उसके साथ उनके जो कोवर्कर है, फ्रेंड्स है, जिन्होंने रिसर्च में हेल्प किया, उनके लिए वर्ड आता है ईटल, कोवर्कर, कोवर्कर, ठीक है। प्रोटीनासियस इन्फेक्शियस पार्टिकल,
प्रोटीनियासिस, मतलब देखो प्रोटीन ही है इनके अंदर, जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं इसके अंदर, कॉजिंग सर्टन डिसीज लाइक कुरु डिसीज, लाफिंग डेथ डिसीज इन ह्यूमन, लाफिंग डेथ इसका मीनिंग हंसते हंसते मर जाता है। दिखाता हूँ आगे, समझ में आ गया। उसके बाद बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनसेफेलोपैथी, इनसेफेलॉन का मीनिंग होता है ब्रेन, पैथी का मीनिंग होता है डिसीज, मतलब ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको मैडकाउ डिसीज बोलता है। उसके बाद स्क्रैपी डिसीज इन शिप एंड सीएफ के जी डिसीज, ये सब करता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। प्रांस इंपॉर्टेंट है, प्रांस और वायरस ये पढ़ के रखने का, और नीचे कुछ डिसीजेस के नाम और सब कुछ बोला रहा है। यहाँ पर ये चार्ट स्पेशली जो एनिमल वायरसेस है उनका चार्ट याद रखिए कि किससे कौन सा डिसीज होता है। वायरस के वजह से प्लांट में भी डिसीज हो रहा है और एनिमल में भी डिसीज होता है। कॉमन कोल्ड जो कि हार्मफुल नहीं है वो होता है राइनो वायरस से, इन्फ्लुएंजा होगा इन्फ्लुएंजा से, जर्मन मीजल्स रूबेला ये थोड़ा खतरनाक डिसीज है, डेंजरस है जो रूबेला से होता है। नेट में इतना डीप में आ सकता है, आ सकता है हाँ, मैंने ब्रीफ में पढ़ा है देखो, क्योंकि पहले एकदम छोटा कम पढ़ाएंगे, फिर बाद में डीप में पढ़ाएंगे, बाद में कभी, तो जो चीज़ बाद में करना वो कभी नहीं होता, कभी भी थोड़ा एम बड़ा रखना चाहिए, वर्क ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जब हम कम वर्क करें तब एट द सेम टाइम अदर स्टूडेंट हार्ड वर्क अगर ज़्यादा कर रहा है तो चांसेस किसके आगे बढ़ने के ज़्यादा है। डेफिनेटली जो हार्ड वर्क करता है वही आगे जाता, हार्ड और स्मार्ट दोनों वर्क, तो इसलिए मैं आपको सब बोल के रखता हूँ, मतलब कुछ भी रहो आपको आना चाहिए। उसके बाद मीजल्स होता है मीजल्स वायरस, पोलियो मालिटिस होगा पोलियो वायरस से, स्मॉल पॉक्स होगा वायरलो वायरस से, और ये येल्लो फीवर है, स्पेलिंग यहाँ पर गलत हुआ, वाई डबल येल्लो आता है ओ डब्ल्यू, येल्लो फीवर अर्बो वायरस। हाँ दिखाता हूँ सब, वो लाफिंग डेथ डिसीज जो है वो दिखाने का, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं, बोलता हूँ और आगे। ये सर ये एनिमल वायरस, वायरसेस को नाम देने के लिए एक अलग मेथड है, देखिए वैसे जितने भी वायरस होते हैं उनको लास्ट को नाम जो है वो ऐसा वायरस आता है, बोलूंगा मैं विवेक चौहान, यहाँ पर बोलता वायरस का नेमिंग कैसा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। अब देखिए वो छोटा जो रहता दिखता नहीं, अभी आपने पूछा था लाफिंग डेथ डिसीज, लाफिंग डेथ डिसीज, अब इस डिसीज में क्या होता है ये पूछे थे आप, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दूर बैठा तो मैं दिख नहीं रहा मुझे, अब देखो आपने पूछा था लाफिंग डेथ डिसीज किसके वजह से हो रहा है, तो कॉजिटिव एजेंट देखा हमने, ये प्रांस की वजह से होता है, प्रांस क्या है, तो मैंने अभी आपको बोला कि ये प्रोटीनासियस इंफेक्शियस डिसीज है, और लाफिंग डेथ डिसीज ये बहुत रेयर टाइप का डिसीज होता है, इसी को कुरु डिसीज भी बोलता है, इसी को नाम क्या है कुरु, के यू आर यू, इसी का नाम क्या है कुरु डिसीज, कुरु डिसीज। अब कुरु डिसीज का मीनिंग क्या होता है, कुरु का मीनिंग होता है ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग मतलब थरथर का आपने, ट्रिम्बलिंग जैसा किसी ने चोरी की उसको चोरी पकड़ी गई तो उसके हाथ पैर थरथर का आपने, वैसे इसके बॉडी के अंदर शेकिंग होता है, ट्रिम्बलिंग होता है, और ट्रिम्बलिंग होते वक्त ये हंसता रहता ज़्यादा, हंसना मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं, क्योंकि कुछ पागल लोग भी रहते हैं जो ऑनली हंसते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ पे हंसना है कहाँ पे नहीं हंसना है क्या करना है, तो मतलब वैसा होता है, क्योंकि इसके अंदर माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, मेंटल कंट्रोल नहीं होता है,
तो इसके अंदर इसके वजह से क्या होता है, लाफिंग सिकनेस, लाफिंग सिकनेस, लाफिंग सिकनेस, हमेशा हंसता रहता, कुछ भी हुआ तो हंसता रहता है। इसको कहाँ पे शोक सभा है, शोक यात्रा है, राम नाम सत्य बोल रहे तो भी नहीं हंसते रहता, मतलब इसके अंदर ये मेंटल डिसऑर्डर। और कुरु ट्रांसपोर्ट होता है नियर अबाउट कुछ एक ट्राइब है, देखो कहाँ पे ये प्लेस आपको पता होगा, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ यहाँ पर लिखा थोड़ा बराबर, पापुआ न्यू गिना वहाँ पर, वहाँ की एक ट्राइब है जिनके अंदर ये डिसीज मोस्ट कॉमनली मिलता है, पापुआ न्यू तो यहाँ पर क्या होता है, फोर ट्राइब जो है, फोर ट्राइब मतलब ये एक आदिवासी का कबीला है, उनके अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिखता है। कौन सा, क्रू डिसीज, या इसी को क्या बोले थे हम, लाफिंग डेथ डिसीज, उनके अंदर ये ज़्यादा दिखता है। हाँ, और ये होता है पारस प्रांस की वजह से। ये डिसीज अगर देखा जाए तो ये डिसीज कैसा डिसीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। इनके अंदर क्या होता था, अब इनको होने का रीज़न क्या है, इसकी थोड़ी एक हिस्ट्री है। देखिए अगर बोलूँगा तो अपना फिर सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह जाता, पर बोल दूंगा आपने पूछा इसलिए। अब ये जो लोग थे कुछ ट्राइब के, जनरली ये लोग अच्छे होते हैं, मतलब आदिवासी लोग अच्छे भी होते हैं, तो इन लोगों के अंदर एक प्रैक्टिस क्या थी कि कुछ मरे वाले एनिमल का ब्रेन खाते थे, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं लोग, तो वैसे। तो ये जो प्लेस मैंने आपको अभी बोला था न्यू गिना, यहाँ पर क्या करते थे, ये प्रैक्टिस करते थे एक टाइप का कैनाबिलिज्म, मतलब नॉनवेज खाना। उसके अंदर ये किसको खाते थे, ब्रेन ऑफ डेड पीपल, दे आर गोइंग टू ईट ब्रेन ऑफ डेड पीपल, तो ये एक मेंटल सिकनेस है। एक मूवी है देखो कुछ, उस मूवी का नाम है अपोकैल्पस बोलकर, उसके अंदर देखिए कुछ थोड़ा सा हॉरिबल दिखा है वैसे। तो ये ब्रेन जिनका डेथ हुए वाली लोगों की, उनका ये ब्रेन खाते थे, क्योंकि उनके अंदर ये एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल फ्यूनरल था, एज अ पार्ट ऑफ फ्यूनरल रिचुअल, मतलब शव यात्रा ले जाने के पहले उनके अंदर ये कैसी प्रैक्टिस थी कि जिसके अंदर वो लोग मतलब ऐसे एनिमल का ब्रेन दिखाते थे। हाँ, सबसे पहले किस आदमी को डिसीज हुआ था, तो ये ऐसे हुआ था, देखिए ये चिंपांजी के अंदर ऐसा डिसीज पहली बार मिला था। हाँ, और डायग्नोसिस करने के लिए भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसका ब्लड टेस्ट करते हैं, थायराइड, लीवर, किडनी फंक्शन, फॉलिक एसिड का लेवल देखा जाता है, बाकी सब कंडीशन चेक करके ये डिसीज को डायग्नोस किया जाता है। तो ये ऐसा है देखिए डिसीज। उसके बाद वायरस का नॉमनक्लेचर बोले वाला कि नॉमनक्लेचर कैसा करता है, सिस्टम ऑफ गिविंग नेम टू द वायरस, जिसके अंदर मेनली दो पार्ट रहेंगे, पहला उस वायरस का कॉमन नाम और दूसरे नाम में हमेशा रहेगा वायरस। पर यहाँ पर कुछ क्रिप्टोग्राम बोलकर एक लैंग्वेज यूज की गई है जिससे वायरस को नाम दिया जाता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, याद रखिए, पर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया इसलिए यहां पर बोल रहा हूं मैं। समझ में आया क्या, देख रहा हूं सबके कमेंट्स। हाँ देखिए मूवी दे इट ह्यूमन ब्रेन, हाँ क्यूर मेंटल डिसऑर्डर है। देखो गायत्री क्यूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, एक तो अच्छा बैकग्राउंड देना पड़ता, उसको समझाना पड़ता, अरे ये मरे वाला इसको मत खा, इससे इन्फेक्शन होता है, वायरस आता है, ऐसा बोलना पड़ता। इन सीआईडी शोज एपिसोड लाइक दिस, हाँ दे ऑल्सो इट अ ह्यूमन ब्रेन, हाँ बराबर ऐसा, लाइक जीनस एंड स्पेस। हाँ, तो अब क्रिप्टोग्राम बोले तो क्या है, वायरस को नाम देने की एक मेथड है, द सिस्टम गिव्स टू पार्ट, फर्स्ट नेम इज द कॉमन नेम ऑफ वायरस, और सेकंड पार्ट के अंदर क्या रहेगा, कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस। इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम, मतलब एक टाइप की ये लैंग्वेज है कि जिससे वायरस को नेम दिया जाता है।
यहाँ पर ये चार पॉइंट याद रखने पड़ते, उससे समझ में आ जाएगा। वो ह्यूमन हार्ट को, हाँ ह्यूमन हार्ट को भी खाता, इसलिए मैंने उस मूवी का नाम बोला आपको, अपोकैल्पस। उस मूवी में साउंड कम है, पर कुछ ट्राइब में जो रिचुअल प्रैक्टिसेस होता है वो आपको देखे थोड़ा समझ में आता। वहीं से ये डिसीज स्प्रेड हुआ। कुरु जनरली ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज एनिमल से स्प्रेड हुआ। कोरोना वायरस कहाँ से आया? एक और कुछ मूवी है देखिए, कोरियन मूवी, उसके अंदर उन्होंने ये कोरोना वायरस आने के पहले बहुत पहले बोला था कि, मतलब उस मूवी में लास्ट को दिखाया कि एक लेडी रहती है कि जो कहीं पर मीट खरीदने के लिए जाती है, मांस, और उस मांस का जो दुकान रहता है ऊपर बैट बैठ वाला था, बटवागुर चमगादड़, तो मर के नीचे गिरता तो वहाँ का जो मांस रहता है उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है, तो उस बैट में जो वायरस है वो उन लोगों में आता और उन लोगों में से सब में स्प्रेड होता। सिमिलरली कोरोना वायरस भी ऐसे स्प्रेड हुआ। हाँ, तो क्रिप्टोग्राम में क्या करते हैं, फर्स्ट पेयर रिप्रेजेंट द न्यूक्लिक एसिड और नंबर ऑफ स्ट्रैंड। जैसे यहाँ पर एक वायरस का नाम दिया वाला, सपोज ये क्रिप्टोग्राम है, तो इसके अंदर से हम देख सकते हैं, तो पहला जो पेयर रहेगा वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक एसिड या नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए या आरएनए रह सकता है, और वो मे बी सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड रह सकता है, डीएनए भी और आरएनए भी। सेकंड पेयर रिप्रेजेंट मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसका मॉलिकुलर वेट कितना है, और अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। थर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ वायरस, वायरस का शेप कैसा है या न्यूक्लियो प्रोटीन का शेप कैसा है, और फोर्थ पेयर डिनोट करेगा टाइप ऑफ होस्ट और कैरियर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। जैसे एड्स का वायरस किससे ट्रांसमिट होता है, ब्लड से, वैसे इट इज़ वेरी डेंजरस टू ह्यूमन। हाँ बराबर, ह्यूमन के लिए, हाँ वैसे देखो हम पूरी तरह से डिजाइन नहीं हुए कि एनिमल को खाने के लिए, पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, खाने देना चाहिए, क्योंकि सभी वेज पर डिपेंड रहेंगे तो सबको थोड़ी खाना मिलेगा और रेट बहुत बढ़ जाएंगे। पर ऐसे एनिमल, मतलब जो एनिमल खाते, मैं तो 100% वेजिटेरियन हूँ, पर जो एनिमल खाते हैं उन्होंने थोड़े देख के एनिमल खाने चाहिए, क्योंकि कुछ एनिमल अगर हाइजीनिक नहीं है, क्लीन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखो क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी बोले वाला है, तो इसके अंदर R1 2/5 E/E और S/A, मतलब ये सब क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 वर्ड्स दिख रहे हैं और हर एक का मीनिंग बोले वाला है यहाँ पर। ये अब देखो इसका मीनिंग क्या, नीचे समझ में आ जाएगा, पढ़े तो भी समझ में आ जाता है। देखिए ये देखिए, तो फर्स्ट पेयर, ये देखो ये है फर्स्ट पेयर, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है R1, मतलब RNA है और सिंगल स्टैंडर्ड है। दूसरे पेयर में देखिए मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज 200,000, मतलब देखो 200,000, थाउजेंड के अंदर कितने जरूर होंगे वो सब समझ में आ जाता है, मतलब 5% परसेंटेज दिए वाला है 5%। E/E क्या दिख रहा है, इसका शेप दिख रहा है इलांगेटेड, ये है थर्ड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये सेकंड, ये फर्स्ट पेयर, ये है फोर्थ पेयर। फोर्थ पेयर में क्या देखे, हॉस्ट इज ए सीड प्लांट, स्पर्माटोफाइट्स एंड करियर ट्रांसमिशन इज एयर, एयर से ट्रांसमिट होता है इसलिए ए है यहां पर, देखिए मतलब ये कैसे जाता है। फिर वैसे इनके क्रिप्टोग्राम दिए वाले तो मतलब याद रह जाता है। हाँ ये सब यहां तक देखो वायरस का हमने डिटेल में देख लिया, बुक से बहुत ज्यादा डिटेल में। अब थोड़ा सा हमारा एक पार्ट बच वाला है, लाइकिन प्रॉपर कुकिंग ऑफ मीट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कोई भी एनिमल पकड़े किसको भी। तो ये सब याद रहेगा ना, चार्जर को लगा लेता हूँ मैं, चार्जर एक सेकंड, चार्जर लगाता हूँ तब तक, अब आगे का देखिए। लाइकेन वायरस हो गया, हमने पूरा डिटेल में देखे, यहाँ पर क्वेश्चन लेने बाकी रह गए थे हमारे।
अरे जो न्यू स्टूडेंट है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, हाँ पीडीएफ रीड करो, हाँ यहाँ पर ज़्यादा पीडीएफ में बहुत डिटेल में दिया वाला है यहाँ पर। अब देखने का हमको लाइकेन, यहाँ से ठीक है, ये रीड करो एक मिनट, अब थोड़ा पानी ला लेता हूँ एक मिनट, देख लो पानी ला लेता हूँ तब तक थोड़ा सा। एक मिनट इतना थोड़ा सा रेड कर लो उसको लाल कलर का। Like in the last part. ये लास्ट पार्ट है हमारा, तो ये हो जाएगा। हाँ लाइकेन इक्वल टू अल्गी प्लस फंगाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनमें, पता हमको, थोड़ा सा देखे थे इसके अंदर। लाइकेन्स दो चीजों से बने वाला रहेगा, एक अल्गी और एक फंगा। जो इसके अंदर अलगल कॉम्पोनेंट है इसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट। और जो फंगा इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं माइकोबायोंट। और लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पत्थर से सॉइल बनाना जिसको विदरिंग ऑफ रॉक बोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइकेन, तो इसके बारे में हमको देखना है। पर अभी हमारे पास टाइम कम है तो कल देखेंगे, पर थोड़ा सा इधर पीपीटी देख लेंगे। ठीक है तब तक ये पीपीटी देख लेंगे इसके अंदर का वायरस का। थोड़ा 5 मिनट ये देख लेंगे। हाँ पीपीटी भी वैसे मैं भेज चुका हूँ। हाँ कल हमारा लाइकेन हो जाता है तो मतलब कल हो सकता है हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाए क्योंकि वो रिमेनिंग है। लूसीफर टू अवॉइड इन्फेक्शन, ये पीपीटी चालू होने को लोड ले रहा है। इधर का भी थोड़ा सा ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का इसका क्लास भी शेड्यूल करना है मुझे क्योंकि ये बहुत दिमाग आता है, टाइम ज़्यादा लगाता है। अभी 3 बार क्लिक किया 1 बार चालू होता है। व्हाट इज मीन बाय पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं पीपीटी। अभी दिखाने वाला था पर थोड़ा प्लीज टेक प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर दिस टॉपिक। हाँ गायत्री लूंगा, पर आपको बोर तो नहीं लगता, मतलब एक टॉपिक को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसलिए लगा क्योंकि बिकॉज यू ऑल आर न्यू, ऊपर से ऑनलाइन तो सब थोड़ा मुश्किल है इसलिए, है ना।
बस ये थोड़ा मेरे को शेयर कर देना पड़ता, नहीं तो फिर वो बाद में रह जाता ये लिंक बनाने के लिए। ठीक है, अपन बाकी का बाद में लेंगे। ओके, रिमेनिंग पार्ट हम कर लेंगे। इट्स इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसलिए देखो, थैंक यू गायत्री, ये ऐसा फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है गायत्री। हाँ, बहुत अच्छे से बोला आपने, क्योंकि डिटेल में बोलने की वजह से आपको सब समझ में आएगा। और पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एक नंबर, मजा आ जाना चाहिए। हाँ, है ना। ओके, बाय एवरीवन। 5 मिनट पहले छोड़ा, सो दैट आपको आप दूसरा क्लास भी अटेंड कर पाए। फोर्थ ग्रुप में मतलब बच्चे ऐड हो रहे क्या? बाय एवरीवन। आशीष, यू कैन कॉल मी।